Hello and welcome to today's video. In today's video we are going to solve an example based on the Stirling's formula. Before we get started with the example there are some basic things that you must be aware of. The first one is that Stirling formula is the mean that is it is the average of Gauss forward interpolation formula and Gauss backward interpolation formula. then this formula can be used for r between minus 0.5 to 0.5 and second thing is ये जो हमारी formula है Stirling's formula वो हमें accurate values जो है यानि accurate results जो है y के वो हमें कब मिल रहे हैं when my r is between minus 0.25 to 0.2 but we this formula when r is 0.5 to 0.5 then we are using this method matlab accurate result it gives for r from minus 0.25 to 0.2 but in general we use this method when r is between minus 0.5 to 0.5 देन हम बात करें स्टर्लिंग्स फार्मूला की सो स्टर्लिंग्स फार्मूला हम लोग कब यूज़ करेंगे तो जब भी मुझे सेंट्रल इंटरपोलेशन करना है दैट इज़ इंटरपोलेशन इज़ टू बी डन नियर द मिडल ऑफ द टैबुलेटेड वैल्यूज जो भी मेरी वैल्यूज़ है उसके सेंटर में मुझे जब भी इंटरपोलेशन करना है आई यूज़ स्टर्लिंग्स फार्मूला नाउ लेट्स सी द स्टर्लिंग्स फार्मूला सो दिस इज़ द स्टर्लिंग्स फार्मूला दैट यू हैव टू रिमेंबर नाउ स्टार्टिंग विथ द फर्स्ट टर्म वी हैव वाई जीरो फिर हमारी जो सेकेंड टर्म है वहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि एवरेज लिया है वैसे ही थर्ड टर्म में हमने कोई एवरेज नहीं लिया है फिर फोर्थ टर्म जो है हमारी देर वी अगेन वी हैव टेकन एन एवरेज दैन फिफ्थ टर्म नो एवरेज इन द सिक्स टर्म अगेन एवरेज वट आई मीन टू से जो भी हमारी जो इवन टर्म्स जो हमने ली है दट इज टू फोर सिक्स वाली जो टर्म्स है वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं एवरेज करें ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ बिकॉज इट्स जस्ट अ वे टू रिमेंबर द फॉर्मूला देन स्टार्टिंग विथ वाई नॉट फिर हमारे पास क्या है आप ध्यान से ऑब्जर्व करिए वी हैव माइनस वन जीरो एंड माइनस वन तो माइनस वन ज़ीरो एंड माइनस वन मतलब माइनस वन माइनस वन है और बीच में आ रहा है जीरो उसके बाद है माइनस टू माइनस वन माइनस टू दैट मीन्स कि जो माइनस वन माइनस वन है वो कॉमन है वैसे ही माइनस टू माइनस टू कॉमन है उसके बीच में हमने लिया है माइनस वन आगे की टर्म्स में भी यू कैन ऑब्जर्व द सेम थिंग माइनस थ्री माइनस टू माइनस थ्री मतलब माइनस थ्री माइनस थ्री के बीच में माइनस टू है ये एक वे हुई फिर दूसरी चीज क्या याद रखनी है आपको कि सबसे पहले हम लोग वाई नॉट होगा फिर आर इन टू डेल्टा आएगा उसके बाद डेल्टा स्क्वायर होगा देन डेल्टा क्यूब डेल्टा रेस टू फोर डेल्टा रेस टू फाइव डेल्टा रेस टू सिक्स एंड सो ऑन फॉर्मूला गोज़ ऑन बट हम मैक्सिमम डेल्टा रेस टू सिक्स तक याद रखेंगे देन हम है हमारा आर तो आर आ रहा है सेकेंड टर्म से फिर होता है आर स्क्वायर देन इट इज बिकमिंग आर इंटू आर स्क्वायर माइनस वन फिर हो रहा है आर स्क्वेयर इंटू आर स्क्वायेर माइनस वन आर का क्या हो गया आर स्क्वायर हो गया नेक्स्ट टर्म में फिर आर इंटू आर स्क्वायेयर माइनस वन इंटू क्या एक और एड हुआ आर स्क्वायर माइनस फोर उसके बाद वापस क्या हो रहा है आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर माइनस वन इंटू आर स्क्वायेयर माइनस फोर सो द होल इज वाई नॉट प्लस आर इंटू the bracket delta y minus 1 plus delta y 0 divided by 2 plus r square by 2 factorial delta square y minus 1 plus r into r square minus 1 by 3 factorial delta cube y minus 2 plus delta cube y minus 1 whole divided by 2 plus r square into r square minus 1 by 4 factorial delta raised to 4 y minus 2 plus आर इंटू आर स्क्वायर माइनस वन इंटू आर स्क्वायर माइनस फोर बाय फाइव फैक्टोरियल इंटू डेल्टा रेस टू फाइव वाई माइनस थ्री प्लस डेल्टा रेस टू फाइव वाई माइनस टू होल डिवाइडेड बाय टू प्लस आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर माइनस वन इंटू आर स्क्वायर माइनस फोर बाय सिक्स फैक्टोरियल डेल्टा रेस टू सिक्स वाई माइनस थ्री एंड सो ऑन आपके जो क्वेश्चन बनते हैं वो डेल्टा रेस टू फोर डेल्टा रेस टू फाइव डेल्टा रेस टू सिक्स मैक्सिमम कितना होगा डेल्टा रेस टू सिक्स तक इफ़ इन केस अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि जहां आपको डेल्टा रेस टू सेवन तक फाइंड करना पड़ रहा है इन द टेबल तो आप डेल्टा रेस टू सिक्स तक ही फार्मूला में लिखिए देन कर दीजिए सो ऑन बिकॉज फाइनली क्या है वो डेल्टा रेस टू सिक्स के बाद जो हम लोग करेंगे दैट विल बी जस्ट फॉर योर प्रिसिजन डेसिमल पॉइंट्स का जो प्रोसीजन होगा उसके लिए होगा वो नाउ लेट्स जस्ट सॉल्व एन एग्जाम्पल बेस्ड ऑन द स्टर्लिंग्स फार्मूला क्वेश्चन इज एम्प्लॉय स्टर्लिंग्स फार्मूला टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टेन सिक्सटीन डिग्री हमें एक्स और एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज़ दे दी है एक्स वैल्यूज़ आर ज़ीरो फाइव टेन फिफ्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव एंड थर्टी अभी ये जो मेरा सिक्सटीन डिग्री होगा दैट विल लाई बिटवीन फिफ्टीन एंड ट्वेंटी जो मेरा सिक्सटीन डिग्री है दैट विल लाई बिटवीन फिफ्टीन डिग्री एंड ट्वेंटी डिग्री तो जब भी मुझे स्टर्लिंग्स फार्मूला यूज़ करनी है तब मेरा एक्स और एक्स नॉट क्या होगा वो आप ध्यान से समझ लीजिए एक्स जो है मतलब जो वैल्यू मुझे फ़ाइंड करनी है दैट विल बी माई एक्स और उस वैल्यू के प्रसीडिंग जो वैल्यू होगी मेरी उस वैल्यू के प्रिसडिंग जो भी वैल्यू होगी मेरी दैट विल बी माई एक्स नॉट तो यहाँ पे जैसे सिक्सटीन डिग्री लाइज बिटवीन फिफ्टीन डिग्री एंड ट्वेंटी डिग्री सो माई प्रसिडिंग वैल्यू इज़ फिफ्टीन डिग्री दैट मीन्स एक्स नॉट कितना हो जाएगा फिफ्टीन डिग्री नाउ हेयर आई हैव रिटन वन मोर एग्जाम्पल फॉर यू अगर मुझे कोई पूछ रहा है इसमें से कि आई नीड टू फाइंड वाई ऑफ ट्वेंटी फाइव तो दैट मीन्स कि मेरा एक्स हो जाएगा ट्वेंटी फाइव और मेरा जो एक्स नॉट होगा वो ट्वेंटी फाइव की आगे वाली वैल्यू मतलब क्या हो जाएगी प्रसिडिंग जो भी वैल्यू है अगर ट्वेंटी फोर है तो ट्वेंटी फोर आपको एक्स नॉट लिखना है देन एच की बात करेंगे एच यानी इंटरवल इंटरवल जो है यहाँ पे कितना है ज़ीरो डिग्री फाइव डिग्री टेन डिग्री फिफ्टीन डिग्री मतलब इंटरवल हो जाता है मेरा फाइव डिग्री का क्योंकि हमारा पाँच पाँच का गैप है देन आर की वैल्यू की बात करें सो so, आर हमें फाइंड करना है एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन एच एक्स है मेरा सिक्सटीन डिग्री माइनस एक्स नॉट इज फिफ्टीन डिग्री डिवाइडेड बाई एच एच इज़ फाइव डिग्री सो सिक्सटीन माइनस फिफ्टीन दैट इज़ वन डिग्री अपऑन फाइव डिग्री सो आंसर विल बी पॉइंट टू ये हो गई मेरी आर की वैल्यू आफ्टर वी हैव फाउंड ऑल ऑफ दीज वैल्यूज़ वी नीड टू प्रपेयर अ सेंट्रल डिफरेंस टेबल सो ये सेंट्रल डिफरेंस टेबल हम लोग प्रपेयर करेंगे बट वो कहाँ तक जाना है तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं हमारे पास सेवन वैल्यूज़ हैं दैट मीन्स मुझे कहाँ तक जाना होगा डेल्टा रेस टू सिक्स तक सो वी विल प्रिपेयर अ सेंट्रल डिफरेंस टेबल इन दिस माई फर्स्ट कॉलम विल बी द वैल्यूज ऑफ एक्स फिर वेरी नेक्स्ट कॉलम जो होगा वो वाई का नहीं होगा वो हम लोग बनाएंगे आर का अगेन आल रिपीट वेरी नेक्स्ट जो हमारा कॉलम होगा वो कौन सा होगा इट विल बी द वैल्यूज़ ऑफ़ आर आर की वैल्यूज़ हमें कैसे लेनी है दैट आल टीच यू सो so, x की वैल्यूज़ जो है हमारे पास वो हमें लिख लेनी है वी हैव द वैल्यूज़ फ्रॉम ज़ीरो टू थर्टी डिग्री विथ अ गैप ऑफ़ फाइव डिग्रीज़ देन R की वैल्यू की अगर हम बात करें तो जहाँ पे भी आपने x नॉट कंसिडर किया है यहाँ पे मेरा x नॉट क्या है इट इज़ फिफ्टीन डिग्री तो ये जो फिफ्टीन डिग्री है उसके सामने R की जो वैल्यू होगी मेरी क्या हो जाएगी इट विल बी ज़ीरो उसके ऊपर जो वैल्यूज़ लेनी है आपको नेगेटिव में लेनी है मतलब माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री फिर नीचे वैल्यूज़ होगी वन टू एंड थ्री सो इस तरीके से हम लोग आर वाली कॉलम प्रिपेयर कर लेंगे देन वी हैव वाई वैल्यूज़ व्हिच वी ऑलरेडी हैव इन द क्वेश्चन वाई वैल्यूज़ है जीरो ज़ीरो पॉइंट जीरो एट सेवन फाइव दैन जीरो पॉइंट वन सेवन सिक्स एंड पॉइंट फाइव सेवन सेवन फोर सो ये जो है हमारी वैल्यूज़ है आर की वैल्यूज़ आपको खास ध्यान रखनी है जहाँ पे एक्स नॉट कंसिडर किया है उसके सामने आर होगा मेरा जीरो उसके ऊपर नेगेटिव वैल्यूज़ लेनी है दैट इज़ माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री और नीचे जाना है पॉजिटिव वैल्यूज़ में मतलब ज़ीरो के बाद आता है वन तो वन टू थ्री ये हमने कर लिया फिर हमें दूसरे कौन से कॉलम्स चाहिए होंगे तो मुझे डेल्टा रेस टू सिक्स तक चाहिए होगा दैट इज़ डेल्टा वाई डेल्टा स्क्वायर वाई डेल्टा क्यूब वाई डेल्टा रेस टू फोर वाई डेल्टा रेस टू फाइव वाई एंड डेल्टा रेस टू सिक्स वाई फिर यहाँ पे जैसे मैं लिख रही हूँ ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो एट सेवन फाइव माइनस ज़ीरो डेल्टा वाई की जो वैल्यू होगी वो हम लोग कैसे लिखेंगे फिर दूसरी दो जो वैल्यूज़ है उसके बीच में हमें एक वैल्यू लिखनी है तो हम लोग ऐसे करके लिखते जाएंगे हमें क्या करना है सिर्फ माइनस करना है मतलब सेकेंड वैल्यू की बात अगर मैं करूँ तो हम लोग करेंगे पॉइंट वन सेवन सिक्स थ्री माइनस ज़ीरो पॉइंट जीरो एट सेवन फाइव फिर थर्ड वैल्यू में जीरो पॉइंट टू सिक्स सेवन नाइन माइनस जीरो पॉइंट वन सेवन सिक्स थ्री फोर्थ वैल्यू होगी ज़ीरो पॉइंट थ्री सिक्स फोर ज़ीरो माइनस पॉइंट टू सिक्स सेवन नाइन नेक्स्ट होगी पॉइंट फोर सिक्स सिक्स थ्री माइनस पॉइंट थ्री सिक्स फोर ज़ीरो एंड लास्ट क्या बाकी रह गया है हमारे पास पॉइंट फाइव सेवन सेवन फोर माइनस पॉइंट फोर सिक्स सिक्स थ्री जो कि आता है पॉइंट वन 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 नेक्स्ट डेल्टा स्क्वायर वाई की वैल्यूज़ कैसे फाइंड करेंगे तो पॉइंट जीरो ट्रिपल एट माइनस पॉइंट ज़ीरो एट सेवन फाइव और ये वैल्यू हमें उन दोनों वैल्यूज़ के बीच में लिखनी है वैसे ही यहाँ पे 0.0916 पॉइंट फिर 0.0961 0.0916 ज़ीरो 0.1023 0.0961 माइनस ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो नाइन वन सिक्स ज़ीरो पॉइंट वन ज़ीरो टू थ्री माइनस ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो नाइन सिक्स वन मैं यहाँ पे साइड में आंसर्स लिखती जा रही हूँ आप लोग अपने कैलसी में सॉल्व करते जाइए आंसर्स कंफर्म करते जाइए देन पॉइंट वन 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 माइनस ज़ीरो पॉइंट वन ज़ीरो टू थ्री फिर हमें क्या करना है इन दोनों वैल्यूज़ को लेना है इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में उनका आंसर लिखेंगे तो डिफरेंस हम निकाल लेंगे दैट इज़ ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो टू एट माइनस ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो वन थ्री फिर नेक्स्ट में क्या है 0.0045 माइनस फिर है 0.0062 माइनस ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो फोर फाइव सो सेम वे में हमें डिफरेंस निकालते जाना है ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो डबल एट माइनस ज़ीरो पॉइंट डबल ज़ीरो सिक्स टू सो माई आंसर इज़ कमिंग है ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो टू सिक्स फिर इन दोनों का डिफरेंस ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो वन सेवन माइनस ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो वन फाइव तो ज़ीरो पॉइंट ट्रिपल ज़ीरो टू आएगा आपको टू इन टू टेंड टू तो माइनस फोर करके लिखना है तो आप वैसे भी लिख सकते हैं देन ज़ीरो पॉइंट जीरो ज़ीरो वन सेवन माइनस जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन सेवन है तो आंसर जीरो होगा फिर ज़ीरो पॉइंट जीरो ज़ीरो टू सिक्स माइनस ज़ीरो पॉइंट जीरो ज़ीरो वन सेवन सो आंसर विल भी जीरो पॉइंट ट्रिपल जीरो नाइन यहाँ पर जो हम कर रहे हैं डिफरेंस जो निकाल रहे हैं उसमें गलती मत करिएगा उसमें साइन की भी मिस्टेक हो जाएगी तो फिर आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा फिर ज़ीरो माइनस ज़ीरो पॉइंट ट्रिपल ज़ीरो टू है तो आंसर माइनस में आएगा माइनस ज़ीरो पॉइंट ट्रिपल ज़ीरो टू वैसे ही वो दो वैल्यूज़ का निकाल लिया अब इन दोनों वैल्यूज़ कहाँ अगर हम निकालें तो यहाँ पे खास ध्यान दीजिए इन दोनों वैल्यूज़ का क्या निकलेगा डिफरेंस तो हमें क्या करना है ज़ीरो पॉइंट ट्रिपल ज़ीरो नाइन माइनस ब्रैकेट में हम लिखे तो आ रहा है माइनस ज़ीरो पॉइंट ट्रिपल ज़ीरो टू सो माइनस माइनस हो जाता है प्लस सो माय फाइनल आंसर विल बी ज़ीरो पॉइंट डबल जीरो वन वन मैंने जैसे टेबल प्रिपेयर किया है आपको वैसे ही प्रिपेयर करना पड़ेगा एक्स आर वाई फिर डेल्टा वाई से लेकर डेल्टा रेस टू सिक्स वाई तक और जब हम एक्स की वैल्यूज लिख रहे हैं तब हमें बीच में एक लाइन लीव करके वैल्यूज़ लिखनी है अब हमें एरोज शो करने हैं जहाँ पे आपका आर ज़ीरो है उसके कॉरस्पॉन्डिंग वाई की जो वैल्यू है वहाँ पे आप एरोज़ बाहर की डायरेक्शन में निकालेंगे दो एरोज़ आएंगे बिकॉज दो वैल्यूज़ के साथ हमें उसे कनेक्ट करना है सो दो एरोज आएंगे फिर जैसे ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो नाइन वन सिक्स और जीरो पॉइंट ज़ीरो नाइन सिक्स वन है वहाँ से दो एरोज़ एक वैल्यू में मर्ज होंगे फिर वापस उस एक वैल्यू से दो एरोज़ निकलेंगे फिर दो वैल्यूज़ से एक वैल्यू में एरोज़ मर्ज अगेन फ्रॉम वन वैल्यू दो एरोज निकलेंगे देन टू वैल्यूज़ में से एक वैल्यू में एरोज़ मेरे मर्ज हो जाएंगे तो इस तरीके से आपको एरो की पैटर्न पूरी बना लेनी है कहाँ मैंने बोला आपको तो जहाँ आपकी आर की वैल्यू ज़ीरो आपने रखी है वहाँ उसके कॉरस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू जो है वहाँ से आपको स्टार्ट करना है देन ये पूरी फॉर्मूला है आपकी आप लोग ऐसा हो तो यू राइट इट फाइव टाइम्स सो दैट यू कैन रिमेंबर इट वेरी ईजीली मैंने आपको थोड़ी ऐसे ट्रिक बता दी है याद रखने के लिए बाकी आपको जिस भी मेथड से याद रखनी है आप याद रख सकते हैं एंड वेन एवर यू आर राइटिंग द फार्मूला डेल्टा रेस टू सिक्स वाई माइनस थ्री तक आपने लिखा फिर आपको सो so ऑन दिखा देना है दैट इज प्लस करके पुट थ्री डॉट्स सो ये हमारी फार्मूला है अब हमें आगे के स्टेप में मैं क्या करने वाली हूँ इस फॉर्मूला में जो हमारी वैल्यूज़ हमने फाइंड की है वो मैं सब्सटीट्यूट करूँगी वाई ऑफ एक्स यानी हमें क्या निकालना है वी नीड टू फाइंड वाई ऑफ सिक्सटीन इक्वल टू वाई नॉट जो है हमारा क्या होगा वाई नॉट इज़ ज़ीरो पॉइंट टू सिक्स सेवन नाइन फिर है आर इंटू द ब्रैकेट डेल्टा वाई माइनस वन प्लस डेल्टा वाई ज़ीरो होल डिवाइडेड बाई टू आर है मेरा पॉइंट टू डेल्टा वाई माइनस वन और डेल्टा वाई ज़ीरो वो हमें यहाँ से मिलेगा डेल्टा वाई माइनस वन जो है दैट इज़ 0.0916 जीरो पॉइंट जीरो नाइन वन सिक्स डेल्टा वाई जीरो जीरो पॉइंट जीरो नाइन सिक्स वन बट वी आर नॉट कंसर्न विद दैट हमें क्या करना है कि हमारी जो दो वैल्यूज़ है उनका एवरेज सिर्फ ले लेना है सो so, हम ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे जहाँ पे भी आपको दो वैल्यूज़ लिख दिख रही है वहाँ पे आपको जस्ट नीड टू टेक एन एवरेज सो यहाँ पर हमारी जो दो वैल्यूज़ है दैट विल राइट एंड विल टेक द एवरेज फॉर्मूला में जो नेक्स्ट है दैट इज़ आर स्क्वायेर बाई टू फैक्टोरियल इंटू डेल्टा स्क्वायर वाई माइनस वन मतलब आर स्क्वायर इज पॉइंट टू का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरियल इंटू डेल्टा स्क्वायर वाई माइनस वन डेल्टा स्क्वायर में कॉरस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू है आपके एरो के सामने वो आपको लिख लेनी है जैसे यहाँ डेल्टा स्क्वायर है जो मेरे एरोज मैंने एरो पैटर्न जो बनाई है उसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आ रही है डेल्टा स्क्वायर वाले कॉलम में वो हमें लिखनी है तो हो जाएगा जीरो पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो फोर फाइव प्लस मैं जस्ट पेन चेंज कर लेती हूँ थोड़ा आपको ज़्यादा क्लियरली पता चलेगा सो इट विल बी नेक्स्ट इज़ आर इंटू आर स्क्वेयर माइनस वन बाई थ्री फैक्टोरियल इन टू अगेन जैसे मैंने बोला जो दो वैल्यूज़ है आपकी उसका एवरेज लेना है क्योंकि फॉर्मूला में क्या है डेल्टा क्यूब वाई माइनस टू प्लस डेल्टा क्यूब वाई माइनस वन होल डिवाइडेड बाई टू फिर हमारे जो नेक्स्ट टर्म होगी दैट इज़ आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायेयर माइनस वन बाई फोर फैक्टोरियल इंटू डेल्टा रेस्टू फोर वाई माइनस टू अभी क्योंकि वो मेरा जो डेल्टा रेस्टू फोर वाई माइनस टू की जो मेरी वैल्यू है वो जीरो है तो मुझे सिर्फ ज़ीरो लिख लेना है बिकॉज ज़ीरो इंटू एनी थिंग विल बी ज़ीरो फिर नेक्स्ट जो है इट इज़ आर इंटू आर स्क्वायेर माइनस वन इंटू आर स्क्वायेर माइनस फोर डिवाइडेड बाई फाइव फैक्टोरियल इंटू जो अगेन वी हैव टू वैल्यूज़ तो उन दोनों वैल्यूज़ का क्या कर लेना है एवरेज निकाल लेंगे आर की जगह पे हमें सिर्फ पॉइंट टू रखना था सो पॉइंट टू इंटू पॉइंट टू स्क्वायर माइनस वन इंटू पॉइंट टू स्क्वायर माइनस फोर डिवाइडेड बाई फाइव फैक्टोरियल इंटू जो हमारी दो वैल्यूज़ हैं उनका एवरेज देन नेक्स्ट जो है हमारे पास एक वैल्यू है वो जो टर्म होगी मेरी वो क्या होगी आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर माइनस वन इंटू आर स्क्वायर माइनस फोर डिवाइडेड बाई सिक्स फैक्टोरियल आर स्क्वायर दैट इज पॉइंट टू का स्क्वायेर आर स्क्वायर माइनस वन मतलब पॉइंट टू स्क्वायेयर माइनस वन इन टू पॉइंट टू स्क्र माइनस फोर डिवाइडेड बाई सिक्स फैक्टोरियल इन टू डेल्टा रेस टू सिक्स वाई माइनस थ्री मतलब जो हमारी लास्ट वैल्यू जो है कॉरस्पॉन्डिंग टू डेल्टा रेस टू सिक्स कॉलम वो हमें लिखनी है दैट इज जीरो पॉइंट जीरो ज़ीरो वन वन फिर ये सारी वैल्यूज आपको ये सारी टर्म्स आपको सॉल्व करनी पड़ेंगी फर्स्ट तो हमारा पॉइंट टू सिक्स सेवन नाइन एज इट इज़ देन सेकेंड आप पूरा सॉल्व करेंगे सो वी गेट इट एज जीरो पॉइंट जीरो वन एट एट दैन थर्ड सॉल्व करते हैं आप कैलसी में सॉल्व करते जाइए थर्ड सॉल्व कर रहे हैं सो वी आर गेटिंग नाइन इंटू टेन रेज टू माइनस फाइव नेक्स्ट टर्म की अगर मैं वैल्यू लिखूँ तो पॉइंट टू स्क्वायर माइनस वन हो जा रहा है तो वहाँ पे वो नेगेटिव हो जा रहा है मतलब मुझे माइनस करके लिखना पड़ेगा सो so माइनस में जो फाइनल जो आंसर आ रहा है मैं वो लिख रही हूँ पूरा सॉल्व करने के बाद इट इज़ माइनस फाइव पॉइंट फोर फोर इंटू टेंडर इज टू माइनस फाइव नेक्स्ट ज़ीरो है सो प्लस ज़ीरो देन ये पूरा हम लोग सॉल्व करेंगे पहले आप लोग ये सॉल्व करिए फिर जो ब्रैकेट है उसको सॉल्व करिए फिर उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करिए मैं इन दो ये पूरा सॉल्व करने के बाद जो आंसर है वो मैं लिख रही हूँ सो इट विल बी टू पॉइंट टू वन सेवन सिक्स इंटू टेन रेज टू माइनस सिक्स प्लस नेक्स्ट क्या होगा नेक्स्ट जो हमारी पूरी टर्म है यू सॉल्व दैट और उसका आंसर आ रहा है टू पॉइंट थ्री टू थ्री टू इन टू टेन रेज टू माइनस सेवन टू पॉइंट थ्री टू थ्री टू इंटू टेन एज टू माइनस सेवन और फाइनल आंसर दैट इज़ वाई ऑफ सिक्सटीन जो है वो हमारा क्या आ रहा है इट इज़ इक्वल टू पॉइंट टू एट सिक्स सेवन आपको कैलसीम एक बार कंफर्म कर लेना है अपना आंसर टेन सिक्सटीन डिग्री फाइंड कर लीजिए सो टेन सिक्सटीन डिग्री का अप टू फोर डेसिमल प्लेसेस सेम आ जा रहा है हमारा पॉइंट टू एट सिक्स सेवन एंड वन थिंग यू वुड हैव ऑब्जर्व कि हम लोग जैसे डेल्टा रेस टू फाइव डेल्टा रेस टू सिक्स हमने जो लिखा तो उसमें हमारा जो आंसर है इट इज़ कमिंग एज टेन रेस टू माइनस सिक्स टेन रेस टू माइनस सेवन मतलब जीरो पॉइंट जीरो ज़ीरो जीरो जीरो ऐसे आंसर आ रहा है हमारा दैट मीन्स कि उसकी बात की जो वैल्यूज हो जाती है इट्स जस्ट फॉर योर प्रोसीजन सो फोर्ड एस प्लेस तक अगर आप करेक्ट वैल्यू दे रहे हैं देन योर आंसर इज करेक्ट सो दिस इज़ हाउ यू कैन सॉल्व एन एग्जाम्पल बेस्ड ऑन द स्टर्लिंग्स फॉर्मूला Please don't forget to like the video and subscribe to my channel. Thank you.